If you are following our Ladakh series starting from day one, then today is our sixth day of Ladakh Diary and we are going to hand lift from Pangong. वैसे Pangong छोड़ने का तो मन नहीं था, चाहे तो एक दिन और वहाँ पे रुक सकते थे. हम लोग का आइटिनरी थोड़ा बहुत टाइट है, तो आज हैंड लिफ्ट पे हम लोग जाएंगे और वहाँ पे रुकेंगे. बट बिफोर दैट वी हैव स्टॉप जस्ट इन फ्रंट ऑफ रिजांगला वॉर मेमोरियल ऑन द वे टू हैंड लिफ्ट. तो हम लोग इस रास्ते से आए फ्रॉम Pangong एंड इधर जाएंगे एंड वी आर वेरी क्लोज टू इंडो चाइना बॉर्डर. पहाड़ के मुंह से चाइना बॉर्डर बहुत नज़दीक है हम लोग, तो थोड़ा बहुत संभाल के अब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करो. वी हैव स्टॉप्ड एट रिजांगला वॉर मेमोरियल. दिस मेमोरियल ऑन माय बैक साइड वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ दोज 114 ब्रेव सोल्जर्स ऑफ 13 कुमान रेंज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर इन द ईयर 1962. जो 114 जवान शहीद हुए थे उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए बनाया गया सर. पहले सर जो 1963 में बनाया गया था और बाद में इसको 18 नवंबर 2021 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ द्वारा रीनोवेट किया गया. मैं जो शतान सिंह ऑडियो बदलोल के साथ और जंगल गैलरी के साथ सर. ने जहाँ पर 1962 की वॉर में जो 114 जवान शहीद हुए थे उनमें से 113 जवानों का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था. पीछे देखिए सर, जो सर ट्राइंगल 6 में एक फीचर बन रहा है सर, ऊपर टॉप है जो, हाँ उसका नाम है सर मुखबरी टॉप. मुखबरी टॉप से सर लेफ्ट से राइट को एक रिजर्ट आ रहा है जिस पर छोटे छोटे बैंकर्स दिख रहे हैं. वो रिजांगला प्लेस है सर जहाँ पर 1962 की वॉर लड़ी गई थी और सर 3 मंथ के बाद ऊपर से बॉडियाँ रिकवर की गई थी सर, जिसमें सर 114 में से 96 बॉडी फुल मिली थी और बाकी सर टुकड़ों मिली थी. उनको सर इकट्ठा करके यहीं पर ब्रिगेडियर टेनर राणा द्वारा 113 जवानों का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया. और जो सर मेजर शतान सिंह थे उनकी बॉडी को उनके होम टाउन जोधपुर राजस्थान में अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया था. पहले सर जो ओनली सीमेंटेड का था 2021 में इसको भी रिनोवेट किया गया. ऊपर सर 13वें रेजिमेंट का सिंबल लगा हुआ सर. और सर इस स्मारक के दोनों साइड में जो वॉर में जवान शहीद हुए उनके नाम और जो उनको मेडल मिले सर वो दिए गए सर. और सर जो चार तरफ जो छोटे पिलर्स हैं जे सर 12 हैं, इसको मिलाकर 13 हो जाते हैं जो 13वें रेजिमेंट को डेडिकेट करते हैं सर. सभी के नाम सर जो 114 जवान जो वॉर में शहीद हैं उनका नाम सुनहरी अक्षरों में रेड मार्बल पर दिया गया. तो ये वॉर मेमोरियल सर 8वें द्वारा बनाया गया, 8वें रेजिमेंट द्वारा. यहाँ पर मेजर शतान सिंह ने अपने आखिरी सांस लिए थे और लेफ्टिनेंट जनरल पीजे के मेनन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे सर इसमें. और सर इस स्टैचू में दिखाया गया कि कुमाऊनी सैनिक चीनी सैनिक पर संगीन से वार कर रहे हैं. कुमाऊनी सोल्जर अटैकिंग चाइनीज सोल्जर विद बायोनेट. बायोनेट क्या होता है ये बोल सर, वो सामने से तलवार जैसा निकालना होता है उसको सर. मौजूदा पोजीशन है आप जहां पर हो. और सर इसमें आप मगर हिल मुखपटा पर जंगला देख रहे हो, ये सामने वाला फीचर है सर जो ब्रांस पर है सर मगर हिल वो टॉप है सर मुखपटा का. और उसके साथ जो रिजर्ट आ रहा है जहां पर 1962 की वॉर हुई थी वो है जंगला प्लेस. सो दिस इज अ डिपिक्शन of the exact mountain range you are seeing in front of your eyes. So यहाँ पे हुआ था fight रजांगला वो वाला प्लेस, ये that one. और ये पूरा रेंज का नाम है कैलाश रेंज. लेफ्टिनेंट कर्नल एच आर डिंगरा और जो कंपनी को लीड कर रहे थे सर मेजर शतान सिंह, इनको सर एक परमवीर चक्र, 31 फीट सेवा मेडल, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और एक मेंशन डिस्पैच दिया गया. एटीवी व्हीकल जो हिल के ऊपर 45 डिग्री में चढ़ जाता है. अच्छा जी सर, जो ये भी सर मीटिंग होती है इधर बॉर्डर की, ये सर चाइनीज सोल्जर है, इंडियन सोल्जर है. ये सर Pangong में भी बोर्ड के द्वारा फेसबुक होता है सर, जे इंडियन सपोर्ट है सर, जे चाइनीज सपोर्ट है. आज देखा 2-3 बोट को Pangong लेक में. हाँ Pangong आप लोगों का शायद पेट्रोलिंग चल रहा होगा. हम लोग अभी अंदर थे, पूरा वो सब पुराना वाला हिस्ट्री सुन रहे थे. जितना भी हथियार वगैरह सीज्ड हुआ था उस टाइम वार पे वो भी हम लोगों ने देखा. बहुत खराब लगता है इसे सुन के और मोटिवेशन भी मिलता है कि देश के लिए कुछ ना कुछ करना है.
और फॉर योर इन्फॉर्मेशन इन साइड दिस रजांगला वार मेमोरियल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इज अलाउड, आप इसको आराम से वीडियो कर सकते हो और डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। तो ये जो वार मेमोरियल है इट वॉज रेनोवेटेड अगेन इन द ईयर 2021 एंड दिस इज द मेन पोर्शन ऑफ रजांगला वार मेमोरियल जहाँ पे जो 114 सोल्जर्स लोग शहीद हुए थे उन लोगों का फोटो और हिस्ट्री डिटेल्स यहाँ पे है, आप लोग वो भी चेक कर सकते हो वीडियो पे। जो एग्जैक्ट रजांगला पॉइंट है वो बो साइड है, उधर बंकर्स वगैरह सब कुछ है, वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स आर स्टेशन्ड। तो हेलने जाने के टाइम हम लोग बीचों बीच ये वैली पे खड़े हैं। रीजन है कि हम लोगों का जो आगे वाला गाड़ी था वो फंस गया है, इसको अभी सब लोग मिलकर रेस्क्यू कर रहे हैं, उसके बाद ही हम लोगों का गाड़ी पास ऑन होगा। अभी बाइकर्स लोग जितने भी लोग थे वो लोग इधर से शॉर्टकट मार के निकल सकते हैं बट नॉट फॉर इनोवा। ऑलमोस्ट हाफ ग्राउंड देर इज़ अ मिलिट्री ट्रक इन फ्रंट विच इज़ ट्राइंग टू हेल्प दिस इनोवा, तो चेन लगा के इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज फेल्ड, ये सेकेंड अटेम्प्ट है, होपफुली इट विल बी रेस्क्यूड। बट ये बहुत डीप लग रहा है, बहुत गहरा ही है, सारे पैसेंजर्स लोग बाहर वेट कर रहे हैं। बाइकर लोगों के लिए अलग से वहाँ पर रूट है, वो लोग उधर से निकल सकते हैं। पर चारों तरफ आप सोचो जगह के बारे में, चारों तरफ वैली रेगिस्तान काइंड ऑफ थिंग एंड वी आर स्टक। तो गुड न्यूज़ है कि आगे का जो मिलिट्री ट्रक था उन्होंने रेस्क्यू कर लिया, जो हम लोग का आगे जो इनोवा गाड़ी फंस गया था, अभी पीछे हम लोग का गाड़ी जाने वाला है। तो काइंड ऑफ थ्रिलिंग मोड ऑन। मिलिट्री के जितने भी लोग हैं ये लोग बोल रहे थे कि आगे भी एक इनोवा गाड़ी यहाँ पे फंस गया था, ये लोगों ने उनको भी रेस्क्यू किया। अब ये सेकेंड कार्ड है, होपफुली वी आर नॉट द थर्ड वन। शाबाश। लद्दाख वाटर क्रॉसिंग। अभी हम लास्ट दो तीन दिन का डेली सीन कुछ ऐसा है, रोज उठो नहाओ ऐसा वाटर बॉडी क्रॉस करो और दूसरे को गाड़ी को रेस्क्यू होते हुए देखो और आगे चल पड़ो, यही हो रहा है लास्ट दो दिन से, कल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है फॉर श्योर। एंड दिस इज काइंड ऑफ मिनी पैंगोंग ऑन द बैक साइड। हियर एट हेनले एट लद्दाख चांगाथांग रीजियन। अभी जस्ट पहुंचे एंड आई एम जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हेनलेस मेन अट्रैक्शन पॉइंट दैट इज इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सेंटर। तो हेनले इज नोन फॉर विजुअलाइजिंग स्टार गेजिंग ड्यूरिंग नाइट। इसका मेन कंट्रोल है बेंगलुरु पे एंड यहाँ पे इसका बिल्डिंग है यहाँ पे। So inside this observatory center, we have infrared, gamma ray, and optical telescope. As per record, it is world's 10th highest and India's highest observatory center, which is having optical telescope. So let's go inside and check it out. Telescope का नाम है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और 2 meter telescope भी बोलते हैं क्योंकि primary mirror का size 2 meter है। तो इस telescope में 2 mirror हैं, primary और secondary, concave and convex.
प्राइमरी मिरर इस वाइट के अंदर है और सेकेंडरी इस ब्लैक के अंदर है। यहाँ से कैप्चर करके फिर केबल के थ्रू कंट्रोल रूम में डिस्प्ले रहते हैं। ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम है, साइंटिस्ट हल्ले आने का जरूरत नहीं है, बेंगलोर बैठे वहाँ से पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये देख के तो हम लोगों को मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे इसका स्ट्रक्चर है। It's quite techy, like a normal person cannot really understand this. It's not possible beyond understanding. Assembled together as well as so many wires we can see which are beyond comprehension. So let's leave it up to that. And the main thing is it is totally controlled remotely from Bangalore. From Bangalore. So scientists logo ko yahan aane ki zarurat bhi nahi hai. I am also having the question, why Hanley? Why they have set up such observatory center at Hanley? So these are the answers. You can just pause the video and check out. So we have reached our destination, that is Hanley, and here we got this small but beautiful cottage, that is Ama Cottage. एकदम पहाड़ के सामने, पूरा वैली के सामने हम लोगों का रूम का व्यू है। टेम्परेचर देख के तो लग रहा है रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड होगा, बिकॉज अभी टेम्परेचर इज शोइंग अराउंड 7-8 degrees, रात को और भी टेम्परेचर गिरने का चांसेस है, एंड उसके साथ बहुत कोल्ड ब्रीज चल रहा है। इधर और भी होमस्टे वगैरह बन रहा है, तो आज 2-3 साल बाद आप आओगे तो देखोगे ये पूरा जगह होमस्टे से भर गया है। फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर यू आर कमिंग टू हैनले। जब आप हैनले एंटर करोगे तो आपका परमिट आईडी वगैरह 3 बार चेक होगा बाय द लोकल पुलिस एंड द चेक पोस्ट अथॉरिटी पीपल। योर नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी लाइक परमिट कैसे बनाए, तो उसका मैं एक लिंक नीचे कमेंट बॉक्स पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग अगर खुद से आ रहे हो तो आप परमिट बना सकते हो हैनले सोमोरिडी जहाँ पे आप जाना चाहते हो। सेकंड थिंग, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी इज 10 to 0। BSNL पोस्ट पेड कुछ हद तक काम करता है, बट अभी चेक किया काम नहीं कर रहा है। नियरेस्ट जो विलेज है 75 किलोमीटर फ्रॉम हैनले, वहाँ पे लास्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी जियो का आपको मिलेगा। थर्ड पॉइंट, अगर आप लोग ग्रुप में आ रहे हो या अकेले आ रहे हो, साथ में इनफ मेडिसिन वगैरह रखो, क्योंकि नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वो भी बहुत दूर है। तो वैसे लोग तो हैनले आते हैं ये स्टारगेजिंग करने के लिए एट नाइट टाइम, बट हम लोग का किस्मत ख़राब है, हम लोग को ऐसा कुछ दिखा नहीं बिकॉज ऑफ क्लाउडी वेदर। लास्ट 4-5 दिन से भी दिख नहीं रहा है, ये लोग यही बोला हम लोगों को। हम लोगों का आइटिनरी में हैनले में 1 दिन रुकने का है। अगर आप 2 दिन रुक रहे हो एट हैनले, देन यू मस्ट विजिट द उमलिंगा पास। हैनले से नज़दीक आता है एंड दैट इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, 19,300 feet, तो वो आप विजिट कर सकते हो। हम लोगों का आइटिनरी में उमलिंगा पास नहीं है। दिस इज द अमा कॉटेज दैट वी आर स्टेइंग। ठीक ठाक है, मतलब इतना भी कुछ खास नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जितना भी होम स्टे कॉटेजेस वगैरह है सब में सेम टू सेम हाल है। गर्म पानी ठीक ठाक टाइम से नहीं आता है, जब तक सूरज का किरण रहेगा उस टाइम पे आपको गर्म पानी मिलेगा, एंड सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है, शाम को 7 बजे से 11 बजे तक आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। मतलब वेरी मीडियोकर अरेंजमेंट्स है, बट ठीक है, 1 दिन रुकने के लिए इट्स गुड, आपको और कोई ऑप्शन भी नहीं है। काफ़ी ठीक ठाक रूम है, मतलब इतना भी कुछ खास नहीं, 1 दिन रुकने के लिए इनफ है। दिस साइड इज द बाथरूम। गीजर का कोई सिस्टम नहीं है, पहले से मैं बोल के रखता हूँ। गर्म पानी आएगा ड्यूरिंग डे टाइम जब तक सोलर पैनल चल रहा है। ये ब्लॉग थोड़ा छोटा ही होने वाला है कंपेयर टू माय ले ब्लॉग, एंड टुमारो विल बी मूविंग टुवर्ड्स सोमोरिडी फ्रॉम हैनले, क्योंकि नियरेस्ट हैनले से नज़दीक आता है। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे ट्यून फॉर माय लद्दाख सीरीज, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम एज़ IAMLO92। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।